हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी। टुडे वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 बेस्ड ऑन लेजर। नाउ सी इन क्वेश्चन नंबर 2, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयर लेजर अकाउंट। सो हियर यू हैव टू जर्नलाइज the given transactions and on the basis of journal you have to prepare ledger account। म्हणजे आता आपल्याला काही ट्रांजॅक्शन जे दिलेले आहे त्या ट्रांजॅक्शनची जर्नल एंट्रीज करायची आहे आणि जर्नल कंप्लीट केल्यानंतर आपल्याला जर्नलच्या बेसिसवर लेजर तयार करायचे। नाउ सी द ट्रांजॅक्शन्स। फर्स्ट ट्रांजेक्शन, फर्स्ट जानेवारी 2020, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 70,000। सो हियर बिजनेसमैन हैज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 70,000। और मैंने आपको बोला है कि कभी भी अगर स्टार्टेड बिजनेस ऐसा वर्ड दिया जाता है तब एक अकाउंट आएगा कैपिटल अकाउंट। तो वन अकाउंट विल बी कैपिटल अकाउंट। ओके, क्योंकि यहाँ पे 70,000 रुपीज इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट किया है एंड व्हाट एवर इन्वेस्टमेंट डन बाय द बिजनेसमैन टू स्टार्ट द बिजनेस इज कॉल्ड एज अ कैपिटल। आणि म्हणून कैपिटल अकाउंट येणार। एंड What he has invested? Cash। और उसने क्या इन्वेस्ट किया है? Cash। तो एक अकाउंट आएगा कैपिटल अकाउंट और सेकंड अकाउंट आएगा कैश अकाउंट। ओके, तो उसने कैश इन्वेस्ट किया है और कैश बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, इसीलिए एक अकाउंट आएगा कैपिटल। एंड व्हाट ही हैज इन्वेस्टेड? कैश। सो सेकंड अकाउंट विल बी कैश अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट एंड कैश इज अ रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट व्हाट यू हैव टू सी, आइदर पर्सन इज रिसीवर और पर्सन इज अ गिवर। अभी बिजनेसमैन ने कैश बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, मतलब बिजनेसमैन इज अ गिवर ऑफ द कैश। बिजनेसमैन क्या है? गिवर ऑफ द कैश। And what is the rule of personal account? Debit the receiver and credit the giver. So we see the capital account as a real। And cash account, cash account is the account as real। And real is the debit what comes in, credit what goes out। Ma aata apala bagayacha ahe ki cash business madhe comes in ahe ka goes out ahe। कॅश इन्व्हेस्ट केलेली आहे म्हणजे कॅश बिझनेस मध्ये आलेली आहे, इट मीन्स कॅश कम्स इन। बरोबर ना? क्योंकि बिझनेसमन ने कॅश बिझनेस में इन्व्हेस्ट किया है, इसका मतलब कॅश बिझनेस में आई है और इसीलिए कॅश क्या है? कम्स इन। एंड व्हाट इज रूल? डेबिट पार्ट कम्स इन, क्रेडिट पार्ट गोज आउट। तो कॅश अकाउंट आएगा आपका डेबिट। ओके, आणि हे सर्व जे आहे जर्नल एंट्रीज ते मी आधीच्या व्हिडिओ लेक्चर मध्ये डिटेल मध्ये घेतलेले आहे, म्हणून पुन्हा रिक्वेस्ट करतो आधीचे सर्व जे व्हिडिओज आहेत अनालिसिस ऑफ ट्रांजॅक्शन जर्नल एंट्रीज हे सर्व व्हिडिओज व्यवस्थित बघा, तुम्हाला ते नक्की समजेल। सो कॅश अकाउंट टू बी डेबिटेड अँड कॅपिटल अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। नेट इज गिवन फर्स्ट जानेवारी। कैश अकाउंट में भी टू कैपिटल अकाउंट अमाउंट इज गिवन 70,000। नरेशन बी स्टार्टेड बिजनेस
being started business with cash. Narration is 4. Being started business with cash. See, transaction number 2. 4 January 2020. Paid for salaries rupees 7000. Whenever paid word is given, it means given transaction is a cash transaction. अगर paid या received word दिया जाता है, मतलब वो transaction cash transaction है. तो cash transaction अगर है, तो payment के दो chances है. एक तो cash में payment किया जाएगा, या तो check से. अगर चेक से पेमेंट किया है तो ट्रांजैक्शन में मेंशन किया जाएगा. म्हणजे जर चेकनी पेमेंट केला असेल तर ट्रांजैक्शन मध्ये सांगितलं जातं पेमेंट मेड बाय चेक. आता इथे कोणी चेक हा वर्ड आलेला आहे का? नाही. म्हणजे इथे पेमेंट कसं केलेलं आहे? कॅश मध्ये पेमेंट केलेलं आहे. सो वन अकाउंट विल बी कॅश अकाउंट एंड यू हैव पेड फॉर सैलरीज. आणि तुम्ही कशासाठी पेड केलेलं आहे? सैलरी. So salaries is a result of expenses. तो आप लोगों ने salaries के लिए paid किया है, तो second account कौन सा आएगा? Salaries account. Okay, cash account, real account, and salaries account, nominal account. Real account अगर है, तो आपको देखना है कि कम सी है या goes up. आप लोगों ने पैसा पेड किया है, इट मींस कैश गोज आउट. इसका मतलब पैसा गया. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो कैश अकाउंट आएगा क्रेडिट. सैलरी. सैलरी इज नॉमिनल अकाउंट. एंड व्हाट इज रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट? डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन. मतलब अगर एक्सपेंसेस या लॉस है तो डेबिट में लिखो, अगर इनकम या गेन है तो क्रेडिट में लिखो. सैलरी हम लोगों ने पेड किया है और सैलरी बिजनेस के लिए हमेशा एक्सपेंसेस है, तो देयरफॉर सैलरी अकाउंट क्या आएगा? डेबिट. सो एंट्री विल बी सैलरी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट. 4 January 2020. Salary account debit to cash account and amount is given 7000. B, payment for salaries, being paid for salaries. Now next, 8 January 2020, received rent rupees 9000. आता या ठिकाणी वर्ड कोणता दिलेला आहे? received, म्हणजे तुम्हाला रेंट मिळालं. बरोबर की नाही? किती मिळालं? 9000. सो received rent 9000, इट मीन्स वन अकाउंट विल बी कॅश अकाउंट, क्योंकि आप लोगों को 9000 कैश में मिला है. अगर चेक से मिला होता तो यहाँ पे लिखा होता बाय चेक, लेकिन वो लिखा नहीं है, मतलब 9000 आपको कैश में मिला है. एंड देयरफॉर वन अकाउंट विल बी कैश अकाउंट. एंड व्हाट यू हैव रिसीव्ड? रेंट. सो अनदर अकाउंट विल बी रेंट अकाउंट. कैश अकाउंट, रियल अकाउंट, रेंट अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. कैश कौन सा अकाउंट है? रियल. रेंट अकाउंट कौन सा है? नॉमिनल. बिकॉज रेंट कैन बी पेड और कैन बी रिसीव. रेंट मीन बी इनकम और मीन बी एक्सपेंसेस. कैश, अभी आप लोगों को रेंट मिला, रिसीव बोला है मतलब मिला. इट मीन्स कैश कम्स इन. एंड व्हाट इज रूल? डेबिट व्हाट कम्स इन. तो कैश अकाउंट आएगा आपका डेबिट. और रेंट, रेंट नॉमिनल अकाउंट है, तो रेंट एक तो इनकम हो सकता है या तो एक्सपेंसेस, डिपेंड है.
अगर आपको रेंट मिला है तो इनकम, और अगर आप लोगों ने रेंट पेड किया है तो एक्सपेंसेस। यहाँ पे रेंट क्या बोला है, रिसीव, इसका मतलब आपको रेंट मिला है। इथे रिसीव सांगितले की नाही, म्हणजे आपल्याला रेंट मिळालेला आहे, म्हणजे या ठिकाणी रेंट काय आहे, इनकम। एंड व्हाट इज गुड, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। अगर इनकम है तो क्रेडिट करो, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट क्रेडिट। रेंट यानी कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, अमाउंट इज गिवन 9,000. बी रेंट रिसीव, बी रेंट रिसीव। नेक्स्ट वन, 12 जनवरी 2020, परचेज गुड्स और रुपीज 6,000 फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट। क्या दिया है, हम लोगों ने गुड्स परचेस किया, क्या परचेस किया है, गुड्स। अगर आप गुड्स परचेस करते हो तो एक अकाउंट आएगा परचेसेस अकाउंट, लक्ष्य रखो परचेसेस अकाउंट। अगर आप गुड्स परचेस करते हो तो एक अकाउंट क्या आएगा, परचेसेस। गुड्स अकाउंट नहीं तैयार करना है, म्हणजे जेव्हा तुम्ही गुड्स परचेस करता तेव्हा गुड्स अकाउंट तयार करायचं नाही, तर कोणतं अकाउंट तयार करायचं, परचेसेस। और यहां पे बोला है ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधारी पे, क्रेडिट मतलब उधारी पे। तो उधारी पे परचेस किया है तो आपको देखना है कि किस पार्टी से या किस पर्सन से परचेस किया है। क्रेडिट वर परचेस केले की नाही, मग आपल्याला काय बघायचं आहे की जर आपण क्रेडिट वर परचेस केलंय मग कोणाकडनं परचेस केलंय, तर कोणाकडनं परचेस केलंय, संजय। सो अनदर अकाउंट विल बी संजय इज अकाउंट, संजय इज अकाउंट। परचेस इज अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड संजय इज अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। परचेसेस, परचेसेस नॉमिनल अकाउंट आहे आणि नॉमिनल मध्ये काय बघायचं की इनकम आहे का एक्सपेन्सेस, मग परचेसेस आपल्यासाठी काय आहे, एक्सपेन्सेस। अँड व्हॉट इज रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस। नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस, और परचेसेस हमारे लिए एक्सपेन्सेस है इसीलिए कहा जाएगा डेबिट। संजय, अभी दो ही अकाउंट है, अगर एक अकाउंट डेबिट है तो दूसरा क्या होगा, क्रेडिट। दोनच अकाउंट आहेत की नाही, मग एक अकाउंट जर डेबिट झालं तर दुसरा क्या होणार आहे, क्रेडिट। तरी आपण रूल बघूया, पर्सनल चा रूल काय सांगतो, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। संजय यहां पे रिसीवर ऑफ गुड्स है या गिवर ऑफ गुड्स है, संजय ने आपल्याला गुड्स दिलं की नाही, म्हणजे संजय काय आहे, गिवर ऑफ गुड्स। एंड व्हाट इज रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो संजय यहाँ पे गिवर है इसलिए क्या आएगा, क्रेडिट। संजय का है या ठिकाणी गिवर, गिवर म्हणजे देणार, गुड्स कोणी दिलं आपल्याला, संजय ने दिलं, म्हणजे संजय काय झाला इथे, क्रेडिट। सो रूल एंट्री बिलिंग डेट 12 जानेवारी 2020, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू संजय अकाउंट, टू संजय अकाउंट एंड अमाउंट इज 6,000। ओके, ऑल ट्रांजेक्शन हैव बीन जर्नलाइज, सर्वचे सर्व ट्रांजेक्शन आपण काय केलेले आहे, जर्नलाइज केलेले। आता टोटल करायचं, 70,000, 77,000, 86,000
एंड 92,000. तो टोटल इज 92,000 टोटल. सो इन दिस वे यू हैव टू जर्नलाइज दी गिवन ट्रांजेक्शन. अशा प्रकारे जे तुम्हाला ट्रांजेक्शन दिले असतील त्याची आधी काय करायची आहे, जर्नल एंट्री करायची, त्याचं नॅरेशन लिहायचं लागलं. इसका नॅरेशन लिखोगे बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज. तो इस तरह से आप ट्रांजेक्शन लिखोगे और ट्रांजेक्शन का जर्नल एंट्री करोगे. एक बार आपका जर्नल एंट्री हो गया तो बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है लेजर अकाउंट तैयार करना. तो अभी हम लेजर अकाउंट तैयार कर लेंगे. नाउ सी हाउ टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल. सी द फॉर्मेट ऑफ लेजर. फर्स्ट कॉलम इज डेट, पर्टिकुलर्स जे ए दैट इज जर्नल फोलियो, अमाउंट अगेन डेट, पर्टिकुलर्स जे ए अमाउंट. हियर यू हैव टू राइट क्रेडिट एंड हियर यू हैव टू राइट डीआर दैट इज फॉर डेबिट. ओके, तो जो जर्नल लेजर होता है वो लेजर दो साइड में डिवाइड हो चुका है, डेबिट और क्रेडिट. अभी हम लेजर अकाउंट तैयार करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल. लेजर अकाउंट तैयार करण्यासाठी आपल्याला जर्नल एंट्रीज बघाव्या लागतील फ्रॉम स्टार्टिंग. आता स्टार्टिंग मध्ये बघा काय सांगितलेलं आहे, कॅश अकाउंट डेबिट टू कॅपिटल अकाउंट. या ठिकाणी पहिलं अकाउंट कोणतं दिलेलं आहे, कॅश अकाउंट. तो आम्ही पहिले कॅश अकाउंट का लेजर तयार करेल. असा काही रूल नाही की इथे कॅश अकाउंट पहिलं आहे म्हणजे आपण कॅश अकाउंटच तयार केलं पाहिजे, असा काही रूल नाही. परंतु आपण आपल्या कन्व्हिनियन्स साठी कॅश अकाउंट आधी तयार करतो. तो यहां पे आपको हेडिंग देना है कॅश अकाउंट. ओके, क्या हेडिंग देना है, कॅश अकाउंट. अभी क्या करोगे, अभी हम कौन सा लेजर तैयार करेंगे, कैश अकाउंट. तो जर्नल में जहां जहां है कि कैश अकाउंट आया है वो जर्नल एंट्री हमें देखना है. म्हणजे ज्या ज्या जर्नल एंट्रीज मध्ये कैश अकाउंट आलेलं आहे त्या सर्व जर्नल एंट्रीज आपल्याला बघायच्या आहेत. देखो पहिला दिला है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. यहां पे कैश अकाउंट है, उसके अपोजिट कौन सा है, कैपिटल अकाउंट. अभी हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, कैश अकाउंट. तो कैश अकाउंट के अपोजिट जो अकाउंट रहेगा वो लेजर में रिकॉर्ड करना है. तो यहां पे कैश अकाउंट के अपोजिट कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट. तो कैश अकाउंट के लेजर में कौन सा अकाउंट लिखोगे, कैपिटल अकाउंट. म्हणजे आपण आता कोणतं अकाउंट बनवतो, कॅश अकाउंट. मग कॅश अकाउंटचे अपोजिटला कोणतं अकाउंट आहे, कॅपिटल. मग कॅपिटल अकाउंट ट्रान्सफर करायचं लेजर मध्ये. यहां पे कॅपिटल अकाउंट कोणत्या साइड में है, क्रेडिट. लेजर में जब ट्रान्सफर करोगे तब डेबिट साइड में ट्रान्सफर करोगे. आलं लक्षात, इथे कॅपिटल कोणत्या साइडला आहे, क्रेडिटला आहे. मग लेजर मध्ये जेव्हा आपण ट्रान्सफर करणार तेव्हा ते क्रेडिटला ट्रान्सफर, सॉरी क्रेडिटला आहे म्हणजे ते कुठे ट्रान्सफर करायचं, डेबिटला ट्रान्सफर करायचं. तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में है, लेजर में वो डेबिट साइड आएगा. डेट इज गिवन 1st January 2020. तो कैपिटल अकाउंट. तो कैश अकाउंट में कैश अकाउंट में ही ट्रांसफर करोगे, उसके अपोजिट वाला अकाउंट क्या करना है, ट्रांसफर. एंड अमाउंट इज गिवन 7,000.
म्हणजे त्याची एंट्री कॅश अकाउंट मध्ये येणार नाही, त्याची एंट्री कॅश अकाउंट मध्ये येणार नाही। तो यहां पे हम लोगों ने कैश अकाउंट के सारे एंट्रीज कर दिए। कैश अकाउंट तीन एंट्री में था, यहां पे कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, और यहां पे हमारे तीन अकाउंट आ चुके हैं, मतलब सारा एंट्री हो चुका है। अभी हम टोटल करेंगे। अभी टोटल, जो टोटल ज्यादा है वो दोनों साइड लिखोगे। डेबिट का टोटल यहां पे 79,000 है, डेबिट की टोटल बगा नीचे होते 79,000, 70,000 प्लस 9,000 79,000, आणि क्रेडिट की टोटल किती आहे फक्त 7,000। सो यू हैव टू रिकॉर्ड बिगर टोटल एट बोथ साइड। जी टोटल जास्त असेल ती दोन्ही बाजूला रिकॉर्ड करायची। तो यहां पे हम रिकॉर्ड करेंगे 79,000 एंड हियर आल्सो 79,000। रिकॉर्ड करने के बाद हमारा नेक्स्ट काम आता है बैलेंस फाइंड आउट करना। अभी टोटल कहां पे कम है? क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट में कम है। तो क्या करना है, इस टोटल में से 79,000 में से ये अमाउंट क्या करोगे माइनस। तो 79,000 माइनस 7,000 आपका अमाउंट आएगा 72,000, और इसको ही बोला जाएगा बैलेंस, इसको ही बोला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। याला इसका मतलब है क्लोजिंग बैलेंस, इसको नाम देना है आपको बैलेंस सीडी, सी ऑफ डी मतलब कैरी डाउन, यही है आपका क्लोजिंग बैलेंस। ये शीर्षक है क्लोजिंग बैलेंस। आणि याला डेट को भी देखिए, लास्ट डेट ऑफ जानेवारी, जानेवारी का लास्ट डेट आप इसको देखिए। तो यहां पे कैश अकाउंट का बैलेंस है 72,000, मतलब हमारे पास जानेवारी के एंड में 70,000 इतना कैश बचा है। याचा अर्थ काय झाला, आपल्याकडे जेव्हा जानेवारी संपलं त्या महिन्यामध्ये किती कॅश बाकी होती 72,000, और जो 72,000 जानेवारी के एंड में है वही कॅश आप फेब्रुवारी में यूज करोगे एज अ ओपनिंग बैलेंस। एक हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस, और यही क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट मंथ में क्या माना जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। म्हणजे जानेवारीचा क्लोजिंग बॅलन्स फेब्रुवारी साठी काय असणार आहे, ओपनिंग बॅलन्स। मग आता ओपनिंग बॅलन्स कसा लिहायचा, क्लोजिंग बॅलन्स कोणत्या बाजूला आलेला आहे, क्रेडिटला, म्हणून ओपनिंग बॅलन्स कुठे रेकॉर्ड करायचा, डेबिटला। बघा टोटल आहे, टोटलची लाईन सोडून दुसऱ्या लाईन मध्ये यहां पे आप डेट लिखोगे फर्स्ट फेब्रुवारी 2020, जानेवारी के बाद क्या आता है फेब्रुवारी, तो यहां पे 31 जानेवारी हो गया, अभी फेब्रुवारी। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, बी ऑफ डी मतलब ब्रॉड डाउन 72,000। नेक्स्ट इज ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट ऑफ कैश। अभी आपका कैश अकाउंट कंप्लीट हुआ, कैश अकाउंट के बाद नेक्स्ट कौन सा अकाउंट है, कैपिटल। सो हियर वी विल प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। यहां भी याद रखो, हर एक लेजर को आपको हेडिंग देना है। यू हैव टू गिव हेडिंग टू ईच एंड एवरी लेजर अकाउंट। पण मी या ठिकाणी हेडिंग पुन्हा पुन्हा लिहत नाही, कारण की माझ्याकडे इथे जागा कमी आहे। सो एवरी इन एवरी लेजर अकाउंट यू हैव टू मेंशन डेट पर्टिक्युलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिक्युलर जेएफ अमाउंट। नाउ कैपिटल अकाउंट, अभी हम कैपिटल अकाउंट का लेजर तैयार करें, और उसके लिए क्या करना है, जितना भी जनरल एंट्रीज दी है
उसमें कैपिटल अकाउंट कहां पे है वो देखना है। म्हणजे ज्या ज्या जर्नलिस्ट दिलेले आहेत त्या ठिकाणी कॅपिटल अकाउंट कुठे दिलेलं आहे ते बघायचं। सी द फर्स्ट कॅश अकाउंट डेबिट टू कॅपिटल अकाउंट, म्हणजे पहिल्या जर्नल एंट्री मध्ये कॅपिटल अकाउंट दिलेलं आहे। आता आपण कोणतं अकाउंट बनवतोय? कॅपिटल अकाउंट। अभी हम कौन सा अकाउंट तैयार कर रहे हैं? कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के अपोजिट में क्या है वो देखना है। तो कैपिटल अकाउंट के अपोजिट कौन सा है? कैश। तो अभी हम कैश अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे कौन से अकाउंट में? कैपिटल अकाउंट। अभी इस लेयर को भूल जाना है, अभी हमें कैपिटल अकाउंट के ऊपर कंसंट्रेट करना है। तो कैपिटल अकाउंट के अपोजिट में क्या है? कैश। कैश अकाउंट कौन से वाले में है? डेबिट। लेजर में जब ट्रांसफर करोगे तो कौन से साइड में रिकॉर्ड करोगे? क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड रहेगा फर्स्ट जनवरी 2020 बाय कैश अकाउंट अमाउंट इज 70,000। ओके। सेकंड, देर इज नो कैपिटल अकाउंट इन सेकंड एंट्री। इन थर्ड, देर इज नो कैपिटल अकाउंट एंड इन फोर्थ, देर इज नो कैपिटल अकाउंट। सिर्फ चार में से एक ही एंट्री में, पहले ही एंट्री में कैपिटल अकाउंट था, उसका पोस्टिंग हम लोगों ने कर दिया, बाकी किसी भी एंट्री में कैपिटल अकाउंट नहीं है। तो यहाँ पे हमारा कैपिटल अकाउंट का पोस्टिंग कंप्लीट हुआ। कारण की बाकी कोणत्याही एंट्री मध्ये कॅपिटल अकाउंट कुठे दिलेला आहे का? नाही। म्हणजे आपली पोस्टिंग काय झाली? कंप्लीट झाली। आता आपल्याला टोटलिंग करायचंय। अभी यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट में ही 70,000 है, डेबिट में अमाउंट है ही नहीं, तो 70,000 दोनों साइड रिकॉर्ड करोगे। 70,000 और यहाँ पे टोटल 70,000। और अभी बैलेंस कैसे निकालोगे? क्रेडिट में ही अमाउंट है, डेबिट में अमाउंट एक भी नहीं दिया, तो जो भी टोटल है उसी को समझ लेना है बैलेंस। अलग कारण की या ठिकाणी डेबिट मध्ये अमाउंट दिलेली नाही, म्हणून जी टोटल आहे त्यालाच काय समजायचं? बैलेंस। तो यहाँ पे बैलेंस आपका आएगा 70,000 और इसको नाम दिया जाएगा टू, क्योंकि क्रेडिट डेबिट में है इसीलिए टू बैलेंस कैरी अकाउंट। टू बैलेंस कैरी अकाउंट एंड डेट इज, दैट इज लास्ट डेट ऑफ जनवरी। ओके, नाउ दिस क्लोजिंग बैलेंस इज टू बी ट्रांसफर्ड इन द नेक्स्ट मंथ। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है जनवरी का, वो नेक्स्ट मंथ में क्या करोगे? ट्रांसफर करोगे फर्स्ट फेब्रुआरी 2020, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में डेबिट में आया है, तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे जाएगा? डेबिट से। अगर यहाँ पे देखो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में था तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे लिखा? डेबिट में। यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट डेबिट में आया है तो ओपनिंग बैलेंस कहां पे जाएगा? क्रेडिट। डेट आएगा फर्स्ट फेब्रुआरी 2020 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन अमाउंट इज 70,000। जो ओपनिंग बैलेंस का अमाउंट है वो यहां पे रिकॉर्ड करोगे 70,000। कैश अकाउंट कंप्लीटेड, कैश कंप्लीटेड, कैपिटल। नेक्स्ट सैलरीज अकाउंट। अभी हम सैलरीज अकाउंट तैयार करते हैं। नाम हो गए सैलरीज अकाउंट। तो अभी हमें कौन सा अकाउंट फाइंड आउट करना है? सैलरीज अकाउंट। आता आपल्याला कोणता फाइंड आउट करायचा आहे? सैलरीज। पहिल्या एंट्री मध्ये सैलरी
पे, तो सैलरीज के अपोजिट कौन सा है? कैश। तो कैश को हम ट्रांसफर करेंगे। कैश कौन से भागों में दिया है? क्रेडिट। बगा सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट का है क्रेडिट। पर सैलरीज अकाउंट अपन तैयार करते बिना सैलरी के अपोजिट कौन सा है? कैश। मग कैश अकाउंट काय करायचं? ट्रांसफर करायचं। पण कैश अकाउंट कुठे आहे? क्रेडिट ला आहे। लेजर मध्ये जाणार कुठे? डेबिट ला, क्योंकि जर्नल में अगर क्रेडिट है तो लेजर में वो अकाउंट क्या होता है? डेबिट। डेबिट फोर्थ जाने वाली टू कैश अकाउंट अमाउंट इज गिवन 7000, अमाउंट इज गिवन 7000। अभी देखो और कहां पे सैलरी अकाउंट है क्या? नो सैलरी अकाउंट हियर ऑल्सो, नो सैलरी अकाउंट। बाकी कुठे सैलरी अकाउंट दिलेलं नाही, म्हणजे आपली सैलरी अकाउंट ची पोस्टिंग पण काय झाली? कंप्लीट झाली। अभी हम इसका टोटलिंग करेंगे। अभी यहाँ पे अमाउंट सिर्फ डेबिट साइड में है, कितना? 7000। तो दोनों साइड हम 7000 रिकॉर्ड करेंगे। 7000 टोटल लिखने के बाद बैलेंस निकालेंगे। अभी डेबिट साइड ज्यादा है क्योंकि डेबिट में अमाउंट है, क्रेडिट में एक भी अमाउंट नहीं। अगर एक भी अमाउंट नहीं तो जो भी टोटल है उसी को समझ लेना है बैलेंस। इथे एक देखील अमाउंट दिलेली नाही, म्हणून जी काही टोटल आहे त्याला काय समजायचं? बॅलन्स। तो यहां पे आपका बॅलन्स आएगा 7000, क्योंकि कुछ अमाउंट है ही नहीं, पर इसको नाम दिया जाएगा बैंक बैलेंस। क्या देखते हैं एंड डेबिट। ओके, एक हो गया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सैलरीज। इसको हम नेक्स्ट मंथ में क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट मंथ फर्स्ट फेब्रुवरी 2020, क्योंकि आपका क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आया है तो ओपनिंग बैलेंस कहां पे बताओगे? डेबिट साइड। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7000। ओके, कैश अकाउंट ओवर, कैपिटल अकाउंट ओवर, सैलरीज अकाउंट ओवर, कैश ऑलरेडी डन। नेक्स्ट इज रेंट अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंट इज द रेंट अकाउंट। अब इसके रेंट अकाउंट है क्या? नहीं, हियर देयर इज नो रेंट अकाउंट। इन थर्ड ट्रांजेक्शन और थर्ड एंट्री देयर इज रेंट अकाउंट। आता रेंट अकाउंट थर्ड मध्ये आहे, काय दिलेलं आहे? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। अभी हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? रेंट अकाउंट। तो रेंट अकाउंट के अपोजिट कौन सा है? कैश। तो कैश अकाउंट को हम ट्रांसफर करेंगे। म्हणजे आता आपण कोणतं अकाउंट ट्रान्सफर करणार? कॅश अकाउंट, कारण की रेंटच्या अपोजिट कोणता आहे? कॅश। या ठिकाणी कॅश काय दिलेला आहे? डेबिट। म्हणजे लेजर मध्ये कुठे रेकॉर्ड करणार? क्रेडिट। यहां पे कॅश अकाउंट डेबिट पे है, लेजर में कहां पे रेकॉर्ड करोगे? क्रेडिट। सो डेट इज 8 जानेवारी। बाय कैश अकाउंट अमाउंट इज गिवन 9000। और कहां पे रेंट अकाउंट है क्या? नो। आणखी कुठे रेंट अकाउंट दिलेलं आहे का? नाही दिलं, म्हणजे आपली रेंट अकाउंट ची पोस्टिंग कंप्लीट झाली। और कहां पे भी रेंट अकाउंट दिया नहीं है, सिर्फ एक ही जगह पे रेंट अकाउंट था उसका पोस्टिंग कर दिया, बाकी कहां पे भी रेंट अकाउंट नहीं है। पोस्टिंग हो गया तो टोटल करेंगे, टोटल आएगा आपका 9000। और वही टोटल यहां पर रिकॉर्ड करोगे। अभी अगर हम देखते हैं तो सिर्फ क्रेडिट में अमाउंट है,
डेबिट से कुछ भी अमाउंट नहीं आया, इसका मतलब क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है, तो बैलेंस कहां कहेगा डेबिट में। यहां पे अमाउंट नहीं है तो जो टोटल है दैट विल बी कंसीडर एज अ बैलेंस। मान लीजिए टोटल है 11,000 बैलेंस, तो बैलेंस विल बी 9,000। टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन दैट इज क्लोजिंग बैलेंस 9,000। And closing balance of January will be opening balance of February. तो यहाँ भी closing balance debit में आया है, वो closing balance कहाँ पे जाएगा credit में। और February 2,000 balance brought down 9,000। Okay. Now next, rent over. Next account is purchases account. तो यहाँ पे पहले हम debit लेंगे। Purchases account. Okay. अभी हम कौन सा account तैयार कर रहे हैं? Purchases. तो purchases account कहाँ पे देखना है? No purchases account. No purchases account, no purchases account. Yes, here is a purchases account. इतने पूरे purchases account किस तरीका? नहीं, अब यह टिका यह है purchases account. तो purchases account के opposite में कौन सा account है? संचय। तो अभी हम संचय account को क्या करेंगे? Transfer करेंगे। संचय account यहाँ पे credit में है, तो ledger में कहाँ जाएगा? Debit. जर्नल में जो credit है, ledger में क्या होता है? Debit. So date is given 12 January 2020 to Sanjay's account and amount is given 6,000. Amount is given 6,000. Okay, एक ही entry थी, एक entry का posting कर दिया, now do the total. Total is 6,000. Here also 6,000. Okay. दोनों बाजूला 6,000 है ना, आणि क्रेडिट ला कोणतीही अमाउंट नाही, म्हणजे जी टोटल आहे त्यालाच काय समजायचं? क्लोजिंग बॅलन्स। तो इसी को हम कंसीडर करेंगे क्लोजिंग बॅलन्स 6,000 31 January 2020 to बॅलन्स कैरी to balance carry down. This is nothing but closing balance of January will become opening balance of February for February 2020 by यहाँ पे मैंने mistake किया, तो नहीं आएगा, यहाँ पे credit है तो क्या आएगा? by balance carry down. आणि या ठिकाणी ना two balance brought down and amount is given 6,000. Amount is given 6,000. And now next, abhi purchases account is over. Now next account is Sanjay's account. So here you have to get Sanjay's account. Sanjay's account. Now we are preparing Sanjay's account, so you have to look for Sanjay's account in journal entry. अभी हम Sanjay account देख रहे हैं, तो journal entry में Sanjay account find out करना है। अतः Sanjay account कुठे है? फक्त last entry मध्ये आहे, पण Sanjay account च्या opposite कोणता account आहे? Purchases. तो अभी हम purchases account को क्या करेंगे? Transfer करेंगे। आता आपल्याला फक्त कोणता account transfer करायचा आहे? Purchases. Here purchases account is given at debit side, so you have to transfer purchases account at credit side. Date is given 12 January
10 जनवरी 2020 बाय परचेसेस अकाउंट बाय परचेसेस अकाउंट एंड अमाउंट इज गिवन 6000. ओनली वन अमाउंट इज देयर, वन इज देयर, सो यू हैव टू डू टोटल ऑफ संचयस अकाउंट. आता आपण टोटल करणार, इथे टोटल लिहिणार आपण 6000 ऍट क्रेडिट साइड अँड 6000 ऍट डेबिट साइड. नाउ आफ्टर रेकॉर्डिंग टोटल यू हॅव टू फाइंड आउट बॅलन्स. आपण आता टोटल रेकॉर्ड केली, आता काय फाइंड आउट करणार आपण बॅलन्स. अभी यहाँ पे डेबिट में एक भी अमाउंट नहीं है, तो जो टोटल है दैट विल बी कंसीडर एज अ बैलेंस. सो बैलेंस विल बी 6000 एंड डेट 31 जनवरी 2020 टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन 6000 एंड दिस इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ संजय अकाउंट, विल बी ट्रांसफर इन द नेक्स्ट मंथ एज ओपनिंग बैलेंस 1st February 2020. माय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6000. ओके, so in this way we have to prepare journal on the basis of given transaction, and after preparing journal we have to prepare ledgers accounts on the basis of journal. Hello sir, म्हणजे अशा प्रकारे आपल्याला जर्नल तयार करायचं आहे आणि जर्नल तयार केल्यानंतर लेजर अकाउंट तयार करायचे. थँक्यू.